सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जब चल रहा था तो उस दौरान कई सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश में चरम पर थे और उन्हीं में एक सबसे अहम मुद्दा था बेरोजगारी का, जो विपक्षी दलों ने लगातार सरकार के सामने खड़ा किया था। लगातार सरकार से ये सवाल पूछे गए थे कि आखिर उत्तर प्रदेश में सरकार ने 5 साल में रोजगार के लिए कुछ क्यों नहीं किया। लगातार ये सवाल सरकार से विपक्षी दलों ने भी पूछे थे, लगातार अभ्यर्थियों ने भी पूछे थे और कोशिश और प्रयास यही था कि इसका जवाब सरकार सही तरीके से दे। और बीते 5 साल में सरकार की तरफ से कुछ ऐसे आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए जिसमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में जो रोजगार की स्थिति है वो काफी हद तक बेहतर हुई है। कहा यह गया कि उत्तर प्रदेश में बीते 5 साल के बीजेपी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 5 लाख नौकरियां दी गई। ये वो नौकरियां थी जो सरकारी थी और इसके अलावा ODOP, स्किल मैपिंग या इन चीज़ों की तरफ से भी कई सारे रोजगार या फिर छोटे लघु उद्योग शुरू करा के लोगों को रोजगार देने का प्रयास भी बीजेपी सरकार की तरफ से किया जाता रहा है। अब एक और नया मामला इसमें जुड़ चुका है। दरअसल एक CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि बेरोजगारी और कारोबारी गतिविधियों की निगरानी करने वाला संगठन है, इसकी तरफ से एक डाटा प्रस्तुत किया गया है। ये डाटा अप्रैल माह का है, 2022 वे साल का, यानी कि 2 दिन पहले जो महीना बीता है उस महीने का है। और इस महीने में ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर की स्थिति है वो काफी हद तक कम हुई है। इस संगठन की तरफ से ये बताया गया है कि अप्रैल माह में जो बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश में वो दरअसल 2.9% आ चुकी है, यानी इतनी कम कि उत्तर प्रदेश में मानो बेरोजगारों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। और ये आंकड़ा एक महीने पहले का अगर देखें, यानी कि अप्रैल से एक महीना पहले मार्च का देखें, तो उत्तर प्रदेश में 4.4 ये प्रतिशत था बेरोजगारी दर का, जो अप्रैल में जाकर के 2.9% हो गया है। अब इसके अलावा इस संगठन की तरफ से कई और चीजें प्रस्तुत की गई हैं। संगठन की तरफ से यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो रोजगार की दृष्टि में बेहतर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार देने में काफी सजग है, लगातार सोची गई है। मुख्यमंत्री की नीतियों पर सरकार के नेताओं ने, अधिकारियों ने, विभागों ने काम किया है और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में जो रोजगार की स्थिति है वो काफी बेहतर हुई है, लोगों को रोजगार मिला है। और वही चीज एक आंकड़े के तौर पर प्रस्तुत की गई है, जो कि 2.9% अप्रैल माह का आंकड़ा बताया गया है रोजगार दर में बढ़ोतरी और बेरोजगार दर में कमी को लेकर के। इसके अलावा ये जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है इसमें यह भी बताया गया है कि बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को, करीब 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। ये किन किन विभागों में है इसका डाटा सरकार पहले भी प्रस्तुत करती आई है। और जब ये डाटा प्रस्तुत किया गया है तो उसमें यह भी बताया गया है कि वो कौन से प्रमुख प्रदेश हैं जो इस पूरे कांड में, या बोला जाए रोजगार को कम करने में या बेरोजगारी को बढ़ाने में सबसे अव्वल पे रहे हैं। और उनकी संख्या भी मैं आपको बता दूं तो राजस्थान 28.8%, यहां पर बेरोजगारी दर है। दिल्ली में 11.2%, वेस्ट बंगाल 6.2%, तमिलनाडु 3.2%, पंजाब 7.2%, झारखंड 14.2%, केरल 5.8%, आंध्र प्रदेश 5.8% और उत्तर प्रदेश, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर 2.9% ये बेरोजगारी दर आ पहुंची है। तो ये आंकड़े थे कुछ प्रदेशों के और उत्तर प्रदेश के कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने
रोजगार की दृष्टि में बेहतर काम किया है, सरकारी नौकरियां दी हैं, और इसके अलावा स्किल मैपिंग करके जिस तरह से लोगों को नौकरियां दी गई हैं, रोजगार दिया गया है, ODOP के जरिए लघु उद्योग से लोगों को जोड़ा गया है, और उसके जरिए जिस तरह से लोगों को रोजगार देने की कोशिश सरकार की रही है वो काफी हद तक कामयाब रही है। ये तो एक आंकड़ा हो गया सरकार की तरफ से जो प्रस्तुत किया गया था, और उसके बाद CMI ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसको लेकर के। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति आखिर है क्या। तो बीते 5 साल में अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसी प्रमुख भर्तियां रही हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी भी लटकी हुई है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर ली जाए, 68,000 सहायक शिक्षक भर्ती की बात कर ली जाए, पुलिस बल में अभी भी रिक्तियां हैं, उसकी लगातार भरपाई करने की कोशिश की जा रही है, वो अभी भी उसी तरह से लंबित पड़ी हुई हैं। अन्य विभागों का भी डाटा सरकार की तरफ से लगातार मांगा गया है, उसे भरने की कोशिश करी जाती रही है, लेकिन वो भी अभी तक सही तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई हैं। और आयोग के ऊपर कई सारे आरोप हमेशा से लगे हैं, इस बार भी लगे थे कि कई सारी परीक्षाएं आयोग की तरफ से कराई गई लेकिन वो परीक्षाएं फेल हुई हैं। और बीते अगर हम साल डेढ़ साल का डाटा उठाकर देखें तो करीब 6 से 7 ऐसी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हुई थी आयोग की तरफ से या विभागों की तरफ से जिनके परीक्षा पत्रों को लीक करा दिया गया या वो लीक हो गए, या फिर कुछ एग्जाम के बाद कुछ ऐसी कठिनाइयां सामने आ गई जिसकी वजह से वो परीक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, भर्तियां पूरी नहीं हो पाई। तो आखिर ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ये रिपोर्ट कितनी सही है, बीजेपी की तरफ से या बीजेपी सरकार की तरफ से या उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से रोजगार की दृष्टि में वो कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं जो अब इस 2.9% को भी खत्म करके उत्तर प्रदेश में और रोजगार की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, और विपक्षी दल इस आंकड़े को कितना सही मानते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। विषय बहुत ही गंभीर है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे और आपके और उत्तर प्रदेश के तमाम युवाओं से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। बेरोजगारी जो एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में बीते 5 साल में भी रही है, चुनाव के दौरान भी रही थी, उस पर सरकार ने काम किया ऐसा सरकार का कहना है, संगठन का कहना है, लेकिन विपक्षी दलों का क्या कहना है और आम जनता का कहना है इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की कर्मयोगी सरकार जो माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, दिन दूनी रात चौगुनी अपने उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ निवासियों के लिए काम कर रही है, और विरोधी जो इस पर हमलावर होते हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा CMIE ने लगाया है, जिसने बेरोजगारी दर का आंकड़ा दिया है कि उत्तर प्रदेश में घटकर 2.9% रह गई है। राजस्थान में देखिए 30% के आसपास है बेरोजगारी दर। आज उत्तर प्रदेश किस तरीके से चौमुखी विकास कर रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश अपने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सहयोग की तरफ बढ़ रहा है। पिछले साल हम लोगों ने 5 लाख से ऊपर नौकरियां, 6.5 लाख के आसपास तक नौकरियां हम लोगों ने दी हैं, वो रिकॉर्ड में है जो सबसे ज्यादा है, और अभी भी चुनाव के बाद भी भर्तियों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। कमाल है भाई, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है समाज के अंदर में नफरत की राजनीति पैदा हो जाती है, दंगे भड़कने लगते हैं, स्वार्थ का वातावरण खराब होने लगता है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ जाती है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाता है, महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करने लगते हैं। ये हमारे समाज के लिए चिंता की बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। तो उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार कोशिश जारी है, और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है उसे किसी भी हाल में कम किया जाए। और अभी जो मौजूदा रिपोर्ट भी पेश की गई है CMI की तरफ से, जो कि बेरोजगारी और कारोबारी गतिविधियों की निगरानी करने वाला संगठन है, उसने भी साफ तौर पर बताया है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो मार्च के महीने में 4.4% थी, लेकिन अब अप्रैल के महीने में घट करके 2.9% रह गई है। यानी कि लगातार इस समस्या का निराकरण करने के लिए सरकार की कोशिश जारी है, और लगातार उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि में सरकार काम कर रही है। इसके अलावा अगर और बातों पर ध्यान दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के अलावा कई सारे ऐसे प्रमुख प्रदेश हैं जहाँ पर ये जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है, और लगातार इन समस्याओं से लड़ने की कोशिश वहां की सरकारें भी कर रही हैं लेकिन उसका कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है।
लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ दृश्य भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो रोजगार को लेकर के कभी बीजेपी कार्यालय, कभी विधानसभा के सामने, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हैं, लेकिन उसका कोई भी नतीजा निकल कर अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल मैं इस चर्चा को शुरू करूंगा और इस डिबेट में मेरे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए, उनसे आपको रूबरू कराता हूं। देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अनुराग मिश्रा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और रामू यादव हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आज मैंने कोशिश की है उन मेहमानों को बुलाने की जो लगातार जमीन पर काम करते हैं और उनको ये पता रहता है कि उत्तर प्रदेश में आखिर रोजगार की स्थिति क्या है और बेरोजगारी की दर 2.9% जो बताई गई है आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले मैं अनुराग मिश्रा जी आपके पास आना चाहूँगा। दिल्ली का भी एक आंकड़ा इसमें प्रस्तुत किया गया है और ये बताया गया है कि दिल्ली में 11.2% ये बेरोजगारी दर है, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम करके इसे 2.9% उत्तर प्रदेश में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या कहना है? मैं आपको बताऊं कि आप ही अभी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि मार्च में ये 4.4% थी और अप्रैल में आकर के 2.9% पर आकर टिक गई जी। तो मार्च से अप्रैल के बीच में ये एक महीने के अंदर कौन सी इतनी बड़ी वैकेंसी क्लियर कर दी होगी सरकार ने, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के, कि ये कहां से आंकड़े आए हैं कि अगर इस हिसाब से 1.5% आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर कम हो गई जी। तो रोजगार अगर इस सरकार में किसी को मिला हुआ है तो रोजगार केवल उनको मिला है कि जिनको, अगर रोजगार है तो कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जगह जगह लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, डकैती बढ़ी हुई है, खुलेआम गाजियाबाद में जिस तरह घटनाएं हुई है किसी छिपा नहीं है, अभी प्रयागराज में जिस तरीके से एक ही परिवार के 4 लोगों को मार दिया गया वो भी किसी से नहीं छिपा हुआ, रोज आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जब बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही। दूसरी चीज, जब आंकड़े की बात आप करेंगे तो तमाम वैकेंसी जो है वो फंसी हुई है, तमाम भर्तियां रद्द हो गई, कोई भी सरकारी, आपको जानकर ताजुब होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार है जिसने अभी तक भारतीय जनता पार्टी की, जब से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेज में 71 गवर्नमेंट कॉलेज ये बनाते हैं 71 और उसको जो है ये प्राइवेट कर देते हैं, मेडिकल कॉलेजेस जो खोले वो भी 87 बना देते हैं। तो ये कहां से आंकड़े ले आते हैं? अब हो सकता है जैसे दुर्गेश चौधरी को इन्होंने नौकरी दी थी जिसको भगा दिया है, इस समय नेपाल में पता नहीं गोरखपुर वो लौट के आया कि नहीं आया। अब ये आंकड़े कहां से लाते हैं? ये आंकड़ा किसी भी कीमत पर भरोसे लायक नहीं है। ठीक है डॉक्टर जी, मैं आता हूं आपके पास। रामू यादव वहां साथ हैं। रामू जी, राजस्थान में 28.8% और इसके अलावा अन्य जो प्रदेश है जहां पर ये प्रतिशत बहुत ज्यादा है वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ये दर 2.9% आ गई है। क्या कहना है? नौकरी आपके अगल बगल वालों को मिली कि नहीं मिली, गांव वालों को मिली कि नहीं मिली? देखिए, बेरोजगारी, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी सरकार मतलब नौकरी नहीं दिए हैं। अगर नौकरी आज दिए होते तो आज जो महंगाई हमारी मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, डे बाय डे आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आप लोग खुद मतलब देख रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता। लेकिन हम लोग तो मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं, गांव देहात से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी का ये आलम है कि आज जो पढ़ा लिखा है जो MBA ग्रेजुएट हैं वो लड़के 6,000-7,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, लोग 8,000-10,000 की नौकरी कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो MBA ग्रेजुएट होके आए हैं, पढ़ लिख के आए हैं, उनको आज नौकरियां नहीं मिल रही। अब ये योगी सरकार जो ये आंकड़ा पेश कर रही है, अब ये कहां से पेश कर रही है, कहां से ये लोग लाए हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये भी बता रहे हैं जहां आपकी सरकार है वहां पे 28.8 है, राजस्थान में आपकी सरकार है वहां 28.8% है, ये आप लोग क्यों नहीं नौकरी दे पा रहे? अब देखिए, ये हम कह तो रहे हैं कि ये लोग आंकड़े कहां, अब देखे ये लोग कह रहे हैं कि हम ये आंकड़े, हम कह रहे हैं कि ये लोग आंकड़े कहाँ से लाते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है। आप राजस्थान का ले लीजिए, जो आप बता रहे हैं राजस्थान में 28 बता रहे हैं लेकिन नहीं है। अच्छा। वहाँ पर बहुत कम है बेरोजगारी दर,
ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। मयंक, आंकड़े आपने देखे और ये आंकड़े CMI की तरफ से जारी किए गए हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति काफ़ी बेहतर हो रही है बेरोजगारी को लेकर के, और लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, बेरोजगारी दर काफ़ी नीचे आ गई है, हर महीने 1 से 1.5% का जो गिरावट है वो देखने को मिल रहा है। आप इस आंकड़े को किस नज़र से देखते हैं? उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति कितनी बेहतर हुई है सरकार के बखान में, क्या कहेंगे? अदम गोंडवी साहब की दो लाइनें कहना चाहूँगा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उत्तर प्रदेश की सरकार 1 महीने के अंदर बड़ा बदलाव कर लेती है और लोगों को कानों कान खबर भी नहीं होती, जबकि चुनाव से पूर्व आए दिन जब भी कोई परीक्षा होती थी पेपर लीक हुआ करते थे, आज ये पेपर लीक हो गया, कल TET का पेपर लीक हो गया। तो भाई ये आंकड़े आ तो गए लेकिन इनकी सच्चाई जब जमीनी हकीकत जानने आप जाइए तो वहां पर आपको शून्य मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी पेपर वर्क में माहिर है। तो आप नहीं मानते कि पिछले 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी गई हैं उत्तर प्रदेश में, ODOP के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाया गया है, सूक्ष्म लघु उद्योग शुरू किए गए हैं, देशबंधु जी तो बहुत कहते हैं इसके बारे में, अभी बताएंगे भी। देखिए एक रिपोर्ट और भी है, उसमें यह कहा गया है कि 2017 और से 2021 की रिपोर्ट है, उसमें 2.10 लाख लोग उनका रोजगार चला गया है। भाई ये भी तो रिपोर्ट है, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, 45 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी के लिए ट्राई करना ही छोड़ दिया है। और बात कर ली जाए, अगर पूरे देश की बात कर ली जाए, तो 97,000 पद खाली हैं सेना में, उन पर कोई भर्ती नहीं हो रही है। अभी चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे, आपके चैनल और तमाम न्यूज़ चैनल्स जब गांव में रिपोर्टिंग के लिए जाते थे, लड़के रनिंग कर रहे होते थे, नौजवान रनिंग कर रहे होते, उनसे जानकारी करते, तो वो लोग सारी चीज़ें जब बताया करते तो हकीकत तो आप लोगों के पास है। फिर ये सोचिए कि ये आंकड़ा आया कहाँ से। भाई जिनकी सरकार सेंट्रल में है, प्रदेश में है, जो मन हो वो आंकड़े ला के रख देते हैं, उस पर अगर कोई सवाल करता है तो बुलडोजर बाबा खड़े हुए हैं। मतलब संगठन पे सवाल उठा रहे हैं आप? देखिए संगठन पे सवाल तो खड़ा होना लाजिमी है भाई, ये हवा हवाई बातें हैं। बंधु जी हंस रहे हैं आपकी बात पे। हंसना जरूरी है भाई, ऐसी चीजें हैं तो वो भी हंसेंगे ही कि ये आई चीजें आखिर कहां से। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। देशबंधु जी बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित आप लोगों ने कर दिया है, अप्रैल में 2.9% बेरोजगारी दर ले आए हैं, जो कि मार्च में 4.4 थी, और ये जितने भी साथी आपके बैठे हैं ये सब कह रहे हैं कि सब फर्जी है, मामला ठीक नहीं है, गांव में कुछ गुलाबी बता रहे हैं फाइल, कुछ और बता रहे हैं, क्या है भाई ये सब? देखिए सर्वप्रथम नितिन जी, आज बहुत अच्छा दिन है, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के और संपूर्ण भारतवर्ष के सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत बधाई, और साथ ही आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, तो संपूर्ण भारतवासियों को और खासकर उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को अक्षय तृतीया की भी बहुत बहुत बधाई, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और भगवान परशुराम की भी आज जयंती है, तो प्रदेश के समस्त नागरिकों को उसकी भी बहुत बहुत बधाई। अब आता हूँ मुद्दे पे, जैसा कि आज आपने मुद्दा छेड़ा बेरोजगारी का, तो अभी मैं साथी भाइयों को सुन रहा था, तो उसके बारे में मेरा यही कथन है, आपने अभी डाटा दिया तो आपने देखा ऊपर के 4 जो प्रदेश हैं उसके डाटा, वहाँ हमारी सरकार नहीं है, वहाँ की सरकारें गैर भाजपाई शासित राज्यों की सरकारें हों, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो। अब हम बात करते हैं भाजपा शासित प्रदेशों की, तो जैसा कि आपने अभी कहा ही, मैं उसी को संबद्ध करते हुए, ये समझते नहीं हैं, और हमारे अभी कांग्रेस के मित्र ने पूछा कि मार्च से अप्रैल में डाटा, तो आप बता दूं हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना है, कांग्रेस के मित्र को बता दूं, पता नहीं कहाँ से अदाकड़े आ गए, मैं हम लोग धरती पर रहते हैं, हमारे मीडिया बंधु भी धरती पर रहते हैं, आप देखते होंगे लगभग हर सप्ताह में, नितिन जी आपने देखा होगा स्किल डेवलपमेंट के हमारे रोजगार मिले लगभग 75 जिलों में कहीं ना कहीं होते रहते हैं, और विभिन्न कंपनियां आती रहती हैं, इनको पता नहीं होगा, और विभिन्न कंपनियों के माध्यम से आज का युवा रोजगार स्किल से
ट्रेंड हो रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहा है। उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, आज हर सरकार ने इतनी सारी तमाम स्कीमें चलाई हैं जिससे वो बैंक से लोन लेकर अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर सकता है। ODOP का आपने जिक्र किया, उसके अलावा लघु उद्योग, सिंचाई उद्योग और किसान से संबंधित, आज आप देखते हैं 80% लगभग उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो किसान से संबद्ध है, चाहे कृषि यंत्रों का ऋण हो, चाहे किसी संबंधित आधुनिक हो, चाहे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो हमारे उत्तर। और माननीय मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश आपने देखा, जैसे 2.0 सरकार आई तो पिछली सरकारों में हमारी जो भर्तियां हैं, मैं मानता हूं कुछ भर्तियां आपने जो जिक्र किया वो पूरी नहीं हुई, लेकिन इस बात पे भी हमें गर्व होना चाहिए और आप सगर्व कह सकते हैं, कोई ऐसी भर्ती हमारी नहीं रही जिस जो कलंकित हुई। हमारी पारदर्शिता और जो जीरो टॉलरेंस की मुख्यमंत्री जी की नीति थी उसमें हमने रोजगार दिए, आज भी आप देख रहे होंगे 8,000 से ज्यादा समसेक्टरों की भर्ती तैयार है। नहीं तो ये सब लगभग क्यों नहीं दिखाई देती है? अनुराग मिश्रा कह रहे हैं। और रही बात, देखिए सुन लीजिए एक चीज, और नहीं एक चीज मेरा एक चीज और ले लीजिए। अनुराग मिश्रा कह रहे हैं कि मार्च में 4.4 था, अप्रैल में 2.9 हो गया, तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, कौन सा तीर मार दिया कि ये जो अचानक से 1.5% कम हो गया इसमें? देखिए कांग्रेस के मित्र को अब मैं बता दूं, जैसा कि इन्होंने कहा, अनुराग मिश्रा जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने देखा होगा GST का संग्रह, आपने देखा होगा कोरोना काल में जहाँ हमारे उद्योग धंधे कोविड की वजह से बहुत दुत्कामी हुए, GST का जो काम, देखिए जब निवेश बढ़ता है तो रोजगार अपने आप घटता है, ये बात नितिन जी एक समीकरण ही होता है, इक्वल है कि नहीं? जब आपका उद्योग बढ़ेगा तो बट नेचुरल सी बात है रोजगार की आपकी जो दर है नीचे आएगी, और जब निवेश घटेगा तो रोजगार की दर भी। GST के आंकड़े आप देख ही रहे हैं, 1,00,000 करोड़ पार प्रदेश में GST का संग्रह हुआ। तो जैसे जैसे हमारे उद्योगपति या व्यापार जो कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग आप देख रहे हैं, रेहड़ी वाले पेड़ी वाले, आज हर काम एक आसान वक्त है। हमारे प्रधानमंत्री जी आपने देखा बर्लिन में भी गए, वहाँ भी लोग मतलब भारतवर्ष को एक आशावादी नज़रों से देख रहे हैं कि अब वो भारत भारतवर्ष नहीं रहा। हमारा भारतवर्ष जैसे विश्व गुरु के मानक पे था, आज उसी मानक पे है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी स्वप्न है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम उसमें उत्तर प्रदेश जो कि आबादी के हिसाब से भी सबसे बड़ा है, देखिएगा वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सपने को साकार करेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक, अनुराग मिश्रा जी क्या कह रहे थे, और दूसरी चीज क्या आपको जवाब मिल गया देशबंधु जी की बात से? देखिए मैं देशबंधु जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने देखिए ये प्रवचन का अड्डा नहीं है, यहाँ पर हम लोग विचार व्यक्त कर रहे हैं। अनुराग जी देखिए ये मैंने अनुराग जी ये मैंने प्रवचन नहीं दिया, देखिए आप आंकड़े पे बात करते नहीं है, आप ये बताइए ये प्रवचन था, आपको मैंने एक तार्किक चीज दिया कि अगर GST संग्रह होता है, अगर कोई उद्योगपति जब पैसे कमाएगा तभी वो उसका टैक्सेशन कटेगा, देखिए इसमें ये प्रवचन नहीं है, ये तार्किक चीज है, और तार्किक चीज को अगर प्रवचन कह रहे हैं तो आपकी समझ पे फिर मैं वही बात है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगा रहा है और GST का संग्रह 1,00,000 करोड़ से ज्यादा हो रहा है तो बट नेचुरल सी बात है जब निवेश बढ़ेगा तो उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक है, जवाब ले लें। देशबंधु जी बहुत अच्छी बात है, आपने जो दावा किया है, ईश्वर करे उत्तर प्रदेश के निवासी हम भी हैं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ रोजगार हो, सबको रोजगार मिले। आपने जो आंकड़े दिए, ईश्वर करे वो सारे आंकड़े इसी तरह से आप बढ़ाते रहे, और आपकी दोबारा सरकार भी आई हुई है तो इसलिए आपसे उम्मीद भी करते हैं हम लोग। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ इस जिम्मेदार चैनल पर कि अगर आपके पास कागज कलम हो तो लेके बैठ जाइएगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे पास कागज कलम है, मैं तार्किक रूप से बोल रहा हूँ, मेरे पास कागज कलम है, आपके पास है? हाँ, आप पहले दिखा दीजिए, आप भी अब दिखा दें, पहले बात तो सुनिए, मैं कागज के साथ हूँ, मेरे पास साक्ष्य है। मैं एक प्रतिष्ठित चैनल पर बोल रहा हूँ ना, आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ, आंकड़ों के साथ मैं भी बोलूंगा। उत्तर प्रदेश के 35,000 डिग्री शिक्षक जो स्वित्त पोषित योजना में काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि UGC पे स्केल उनको मिलना चाहिए। आज इतनी बड़ी प्रतिभा 4,000-5,000 पे काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अंडरटेकिंग दे करके कहा था कि रेगुलर टीचर के बराबर UGC पे स्केल DP सिंह के बेंच के ऑर्डर पे इन्होंने दिया था,
कि हम इसको रेगुलर पे जो रेगुलर टीचर की जो पे स्केल होती है 57,700 रुपया वो हम देंगे। आपकी सरकार आज तक उसको लागू नहीं कर पाई है, कंटेम्प्ट चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पर इस बार 29 को डेट लगी थी, उन्होंने कहा कि हम हमारे पास से वो अंडरटेकिंग ही गायब है। अभी 16 मई को फिर से लगा है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है 35,000 शिक्षकों का भला होगा स्वित पोषित योजना में उनके लिए काम करने, ताकि अगली बार जब हम लोग बैठे तो हम समझें कि 35,000 लोगों के साथ आप लोगों ने न्याय किया। अगर आप रोजगार की बात करते नहीं, ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि स्किल मैपिंग करके महीने दर महीने हम लोग रोजगार मेले लगवाते हैं, ODOP के जरिए भी हमने रोजगार दिया है, तो ये भी तो रोजगार हुआ ना राज जी? ये तो नहीं, तो ये कौन सा रोजगार हुआ कि आप PhD होल्डर्स को, जिसको सुप्रीम कोर्ट, अगर आपकी मंशा सही सुप्रीम कोर्ट आदेश किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से हारे हुए हैं आप, उसके बाद आप नहीं लागू करते। अभी देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकारें जो है जानबूझकर के कंटेम्प्ट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकारें कोर्ट के आदेश को मानती नहीं है, उसको पूरा नहीं करती हैं। आज न्याय कहां पे जाएगा जब आप 10-10 साल 12-12 साल आप किसी को न्याय नहीं देंगे, उसको कोर्ट के चक्कर दौड़ाते हैं और उसको सोचते हैं, और जो लड़ रहा है उसकी नौकरी इन लोगों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करवा करके उसकी नौकरी ले लिए हैं, तो इस तरीके का काम करते हैं। पहली चीज, दूसरी चीज, शिक्षा मित्र है, शिक्षा मित्रों के लिए आप लोगों ने कहा था, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनके साथ न्याय होगा। आज की महंगाई, लगातार महंगाई दर कहां बढ़ रही है और आज उनकी स्थिति क्या है, आज आप उनको 10,000 रुपए महीने पर रखे हुए हैं, उनके साथ आपको न्याय करना चाहिए। अगर आपकी दोबारा सरकार बनी है तो आप उनके साथ न्याय करिए ताकि आप पर भरोसा रहे लोगों को, ठीक है। तीसरी बात, जितनी भर्तियां आपकी रद्द हुई हैं, 2,17,000 सरकारी पद खाली हैं, उनको कब आप भरेंगे? 13 ऐसी भर्तियां हैं जिसको इन्होंने रद्द कर चुके हैं, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, इन सारे मुद्दों को ये कब तक हल करेंगे? तीसरी बात, 69,000 की वैकेंसी में आप देखेंगे तमाम ऐसे सवर्ण कैंडिडेट जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, वो लगातार जो है आंदोलनरत थे, उनको इन्होंने न्याय नहीं दिया है, उनको न्याय देने का काम करें, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और ये सेंटर फॉर जो आप मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो आंकड़ा दे रहे हैं जी, ये एक निजी संस्था है और निजी संस्था द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं। निजी संस्था है तो क्या BJP चला रही है इसको क्या? निजी संस्था नहीं, तो आप हरियाणा की बात क्यों नहीं करते? हरियाणा में तो 34% सबसे टॉप पर है बेरोजगारी दर। नहीं तो देशबंधु जी ये भी बताए कि पंजाब में भी 7.2 है वो, और हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उसको भी तो चर्चा करिए। ठीक है, मैं जवाब ले लूं। अनुराग जी जवाब ले लूं, देशबंधु जी क्या कह रहे थे? देखिए अनुराग जी, दिल्ली में कितनी रोजगार आपने दिए वो तो आंकड़े बता रहे हैं, निजी संस्थाओं पे आप जो आरोप लगा रहे हैं वो निजी संस्थाएं भाजपा ने चलाती। रोजगार होता तो यहाँ का नौजवान बंबई जाकर, और रही बात, और रही बात, रही बात, वो आज उत्तर प्रदेश में रहता। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आपकी बात है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरज रही, जो आपने आंकड़ों की बात की, आप दिल्ली में आपने कितने रोजगार दे दिए आप अपनी बात करिए, और रही बात हमारी बात को आपने कहा, मैंने कह दिया ना, विपक्ष की पार्टी चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, आपने इन लोगों ने खोखले ही वादे किए और जर्जर स्थिति में प्रदेश को पहुंचा दिया। आपने देखा होगा तब लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया, भर्तियां निकलती थी और झोला लेकर एक प्रदेश पार्टी के जो दूसरे दर्जे के मंत्री थे, आप भी जानते थे, कलेक्शन इकट्ठा होने चाहता है, कांग्रेस नाम आप जानना चाहते हैं नितिन जी, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, ये मीडिया बंधु सर्वविदित हैं। कांग्रेस शायद यहां पे कांग्रेस की भी 2004 से 2014 तक सरकार रही, आपको बताइए धरती से लेकर आसमान तक बेचते, अरे रोजगार बजट प्रस्तुत किया है, अरे मित्र नहीं मित्र आप सुन ले, हाँ दिल्ली की जो दुर्दशा आप लोगों ने कर ली वो देख रहे हैं, सरकारी फंडों को प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आप चैनल पे आके विद्वता का भाषण दे रहे हैं, और रही बात UGC की आप बात कर रहे हैं, सुनिए UGC में काम किए, दिल्ली में जाकर के पोस्टर लगवा रहे थे, अरे सबसे ज्यादा लगवा, देखिए फिर मैंने कहा दिल्ली
सरकार दिल्ली सरकार के पोस्टर से ज्यादा उत्तर। अरे मैंने वही कह दिया ना, आप लोग हार हताशा की कुलटा है। नहीं आपको आप विक्षिप्त मानसिकता से आप, मैंने वही कहा ना तार्किक आंकड़े दीजिए आप, केवल व्यर्थ की बहस कर रहे हैं। बात को तो सुनिए। और रही बात है, आपने देखा विपक्ष के सरकारों ने जो लूट खसोट मचाई है, और कांग्रेस की एक सरकार रही खनन से लेके 1,86,000 करोड़ का 2G घोटाला नहीं बोला, कॉल स्कैम कोई नहीं बोला, राष्ट्र मंदिर खेलों के तलमारी का घोटाला किसी ने खोजा नहीं, उसके बाद उड्डयन विभाग का आपको बता दें 2004 से 2014 तक केंद्र में आप ऐसी सरकार के साथ थे और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पंजाब में आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से सलाहकार, अरे आज मुद्दा है, आज मुद्दा बेरोजगारी पर, उस पर बात करिए। ईरान तेहरान ये वो बातों को, बातों की जलेबी और चाशनी मत बनाइए आप। कोई मैंने कहा था, आपने मुझसे कहा कागज कलम लेके बैठो, आप आंकड़ों के आधार पर जितनी जगह भाजपा की सरकार है। आपको मैंने एक छोटी सी बात कही कि जब उद्योग बढ़ता है जीएसटी का संग्रह है, आपने क्यों नहीं जीएसटी को लाए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की आपने। आप जब हर काम को लटकाते हैं और प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, अरे भाई जीएसटी आज पारदर्शिता है, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च पिछले 3 महीनों में आंकड़े आए। और उसके बाद आपको बता, कोविड काल में भी आपने नितिन जी देखा, जब अप्रवासी भारतीय आ रहे थे तो लोगों ने स्कूटी और बस तक और क्या नाम है ई रिक्शा के नंबर दिए, तब भी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनके पिता की इतना बड़ा कर्मयोगी और आदमी अपने पिता के देहांत में नहीं जा सका, और अप्रवासी भारतीय को तुरंत मनरेगा के माध्यम से या अन्यत्र लघु उद्योगों के माध्यम से, ओडीओपी के माध्यम से, जिले के हर आदमी में, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के रोजी की भी व्यवस्था करता रहा, रोजगार की भी व्यवस्था करता रहा। उसके बाद आज देखिए, फिर हमने लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा की, हमारे लोगों ने आशान्वित होके आज देखिए संग्रह कितना बढ़ा, और वो आगे बता रहे हैं कि बेरोजगारी की दर धीरे धीरे कम हो रही है। मैं क्या ठीक है अनुराग भाई, हो गया आपका। अरे भाई कोई बोला ना मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, आंकड़ों बात करते नहीं, अभी कह रहे थे पेपर, आप पहले अपना पेपर दिखाइए, आप आए पेपर, आप पेपर लाए हैं, आप पहले आंकड़ों बात करिए, आप पेपर लाए हैं, पेपर लाए हैं, कहाँ है, आप पेपर दिखाइए ना। दलाली की है, 5,000 का 80 मीटर, 5,000 का 80 मीटर, 13,000 में। अब ये आपकी हताशा कुंठा है, आप कौन से शब्द बोल रहे हैं, कौन सी शब्दावली बोल रहे हैं, आज के पावन पर्व पे आपकी शब्दावली और मानसिक माने हमारे सांसद संजय सिंह जी ने सारे खुलासे। अरे यार इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक भी जांच नहीं कराया आपने, आप इसीलिए तो कह रहा हूँ आप आंकड़ों पे बात करो, मानसिक चिंता आप जिस दिन उस बात करोगे आप मैं उसको भी जवाब दे दूंगा। आप पहले शब्द और आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही है। ठीक है प्लीज, मैं क्या दो, देशबंधु जी ने जो जवाब दिया उन्होंने बताया मनरेगा नरेगा काफी चीजें उन्होंने बताई कि इस चीज को भी जोड़ करके उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि को बढ़ाया जा रहा है और उससे काफी लाभ पहुंचा है, क्या कहना है? देशबंधु जी एक बात कह रहे थे, जब निवेश बढ़ता है तो बेरोजगारी थोड़ा सा बढ़ती है, तो इनके निवेश पर मैं जानकारी चाहूंगा, निवेश कहाँ से आया, MOU साइन हुए समाजवादी में, तो एक आप एक चीज मेरी बयान लीजिए, जब निवेश बढ़ेगा व्यापार बढ़ेगा, आपको मैं बता दूं ये आंकड़े होते हैं, जब आपका व्यापार 1,00,000 करोड़, नितिन भाई ये सार्वजनिक है, मैं साधारण आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, अगर आज आपके पास 10,00,000 रुपए हैं और आपके पास 4 कर्मचारी कार्यरत हैं और अगले महीने अगर आपका व्यापार 25,00,000 होगा तो निसंदेह आपके यहाँ आपको कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जवाब ले ले, जवाब ले ले। हाँ मैं, आपने बोल लिया हो तो मैं, हाँ बोल लिए, निवेश बढ़ता है तो बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है आपकी बात अच्छी लगी। नहीं, तो भारत में कर्ज 2013 बढ़ता है तो बेरोजगारी घटती है, सवाल लेने से पहले, अरे मैं कह रहा हूँ निवेश बढ़ता है तो बेरोजगारी घटती है। हाँ बेरोजगारी घटती है, चलिए ठीक है मान लेते बेरोजगारी घटती है, 2013 में भारत पर कर्ज 388 अरब डॉलर था और 2021 में वो 614 अरब डॉलर हो गया, ठीक। ये दूसरी चीज, महंगाई दर जो पिछले साल 7.89 थी वो बढ़कर अप्रैल में 14.3
5.5% हो गई, जीडीपी 80 से ऊपर 83% पे पहुंच गई। तो भाई ये कहां से आंकड़े आ गए, वो कौन से कागजी आंकड़े हैं जो आप कागज पे तो दिखा देते हैं लेकिन जब उनको जमीनी हकीकत पर जाया जाता है तो जो रोजगार पाने वाले होते हैं वो नेपाल चले जाते हैं, भूटान चले जाते हैं, बैंकॉक चले जाते हैं। तो भाई जो चीजें हकीकत में है उनकी बात की जाए। अब एमएसएमई सेक्टर की बात कर ली जाए तो जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो लोग पढ़ के निकले उनकी संख्या 4,70,000 से ऊपर थी, तो वहां पर 71% रोजगार में कमी आई। तो जब इतनी कमियां आ रही हैं फिर भी आप दिखा रहे हैं कि आपके पास तो रोजगारी देते जा रहे हैं। और ये कह रहे थे कि आप लोगों की जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में जब नौकरियां या भर्तियां निकलती थी तो बैग भर के लोग लेकर के आते थे कुछ, और कोई एक मंत्री थे उन्होंने नाम नहीं बताया देशबंधु जी ने, और उनसे संपर्क करने के बाद भर्तियां क्लियर होती थी या फिर उनके कैंडिडेट का सिलेक्शन होता था। तो ये भी एक आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है देशबंधु जी पैसा और झोला लेकर गए हो, उन मंत्री जी से मुलाकात की हो, देशबंधु जी को पैसा देने के बावजूद भी नौकरी ना मिली हो। नहीं देखिए खुले है पुलिस की भर्तियों में जो चलता था। अब मैं आपको समाजवादी कार्रवाई क्यों नहीं की, 5 साल से तो आप सरकार में थे, 5 साल से आपको भाई बुलडोजर भेजना चाहिए था उनके घर पे, क्यों नहीं भेजा? आपको मालूम नहीं होगा, आप ही के कार्यकाल में नाम लेता हूँ, लोक सेवा का अध्यक्ष पहली बार इतिहास में होगा, आप नहीं जानते होंगे, बर्खास्त हुआ था, ये आप जाके पता करें, अध्ययन करें। और दूसरी बात कह रहा हूँ भाई, जिनके पास पैसा पहुंचा था और कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और आप क्या बता रहे हैं मंत्री महोदय से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने कोई लिखा पढ़ी या हिसाब का लेन देन कर लिया, उन पर कार्रवाई नहीं हुई? देखिए अगर आरोप आप लगा रहे हैं तो कार्रवाई पिछले 5 साल आपकी सरकार आपने कार्रवाई क्यों नहीं सुनी है? तो आपने देखा सुनी वो चीजें जाती है, आपने सुना दिया, हमने बता दिया। नहीं थोड़ा इशारा कर दूं, अभी बाबू सिंचाई विभाग आपने देखा बाबू से जेई बने थे और लोगों ने फर्जी पॉलिटेक्निक के नितिन जी सर्टिफिकेट लगाए थे, उनको पदावनत किया हमारी सरकारों ने। तो आपने अर्जी फर्जी जो अरे तो माननीय मंत्री जी जो झोला लेकर चलते थे, अभी जो नौकरियां बांटते थे पैसा ले लेकर, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। प्रजापति जी आज देखिए जेल में, कार्रवाई है हो रही है, जो झोला लेकर पहुंचते थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए वो झोला वाले, झोला वाले मंत्री जी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए जांच हो रही है, मैं पूछ रहा हूँ झोला वाले मंत्री पर कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? क्या आपकी सरकार की सेटिंग हो गई, पैसा कौड़ी में हिसाब किताब बराबर का हो गया कि आप जितना पैसा लिया हमको दे दीजिए? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आपने जो अवैध तरीके से जमीनें उठाई थी, जो चोरी हो रही थी, नितिन जी आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, जनता जनार्दन बहुत खुश है, हमारे भाई आप ही के सवाल का जवाब मैं जानना चाह रहा हूं। भय आतंकवाद, सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे, आप कोई नहीं बातें लेके आ रहे हैं। नहीं देखिए नई नई बातें आप सुनिए तो, भय आतंकवाद का जो आपने अच्छा भाई की बात बता दूं, चंदौली की जो घटना हुई, चंदौली 40 पुलिस वाले, अब वो पुलिस वाले थे कि पुलिस के वेश में पुलिस की वर्दी में सत्ता अपराधी दंगे हुए आपके यार, वो अपराधी कौन थे? सपा सरकार अपराधी कौन थे? 675 दंगे हुए, आप ये बताइए हत्या हो रही है, 675 दंगे हो गए, मैं कहना चाह रहा हूँ पुलिस की वर्दी में हम पर हत्या कर देते हैं, पुलिस से पूरा कार्रवाई की इतनी बड़ी हताशा होने का हार के बाद अगर लोग की आप चुनाव में कहते थे कि चुनाव में लोग आते थे क्यों नहीं काम करते थे, हार के बाद जो है वो अपराधी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बात करते हैं हो गया आप लोगों का भाई, हो गया प्लीज, ठीक है।
आप लोगों की। मैं भाई देशबंधु जी उन मंत्री महोदय से कितने में सौदा हुआ भारतीय जनता पार्टी? अरे आप बताइए ना, आपका लोकसभा आयोग का अध्यक्ष होता है, आप गांधी प्रजापति बताइए, आर्यन खान ने जो भर्ती, आर्यन खान ने जो भर्ती आज जेल में है, तो ये 85 साल 26 महीने होगा जेल में, निकल नहीं रहा, सारी जमीनें मंत्री की बात हो रही, शिक्षा जैसे विश्वविद्यालय जैसी जमीन में रामपुर में करोड़ों अरबों की जमीन ये संपत्ति कर ली, सब गिर रहा है और सब सामने आएगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? जब सत्ता आई बुलडोजर चल रहा है आपकी, ठीक है प्लीज, ठीक है अब आप बताइए, ठीक है प्लीज, ठीक है ठीक है, आ गई बात, आ गई आप लोगों, बात आ गई आप लोगों, बात आ गई आप लोगों, ठीक है ठीक है, बात बात आ गई, बात आ गई, आपकी सरकार की डील उन मंत्री महोदय से हो गई कि आप घूमिए, ठीक है, पैसा पहुंचा दीजिए, रामू यादव कुछ बोल रहे हैं, वो आपको पता होगा भाई, आपको पटवारी में देखे, आप यहाँ महंगाई बेरोजगारी की चल रही, आप लोग, ठीक है प्लीज, हो गया, हो गया आप लोगों का, ठीक है प्लीज प्लीज, ठीक है ठीक है, आप ठीक है ठीक है, ठीक है बता रहे हैं, ठीक है आगे बात आ गई आप लोगों की, ठीक है ठीक ठीक प्लीज 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 प्लीज, ठीक है आगे बात आ गई आप लोगों की भाई, अरे हो गया हो गया, ये कोई अखाड़ा नहीं है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है भाई, ठीक है प्लीज 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 प्लीज, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप लोगों का, ठीक है देशबंधु जी, ठीक है देशबंधु जी प्लीज, हमारी सरकार शांत होइए भाई, आप लोग प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे रहे हो, 1,00,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी जाके देख लीजिए पिछले 6 महीने से ज्यादा, इसीलिए रोजगार बढ़ रहा, ठीक है प्लीज प्लीज, हो गया आप लोगों का प्लीज, ठीक है थैंक यू, शांत रहिए आप, अब हो गया प्लीज, हम आगे चलेंगे आगे चलेंगे, ठीक है मयंक प्लीज, रामू यादव कुछ कह रहे हैं आप? हो गया, हम देश बंधु जी से हम सवाल कर रहे हैं, करना चाहेंगे कि अभी तक बीजेपी की सरकार पीछे 5 साल रही है, पार्ट टू भी शुरू हुआ योगी सरकार का, तो क्या हमें यह आंकड़ा बता पाएंगे कि अभी तक की कितनी भर्तियां हुई? नहीं वो बता तो रहे हैं, 5 साल में 5 लाख भर्तियां करी है, सरकारी भर्ती हुई है प्राइवेट नहीं, तो कहाँ करी है ये तो बताएं, 69,000 शिक्षक भर्ती, आपने आंकड़े मापे और हाँ। 30 सेकंड दीजिएगा नितिन जी, मैं देता हूँ स्किल डेवलपमेंट के बाद, यूपीएसडीएम नाम नहीं जानता हूँ, सुन लीजिए नोट कर लिए, उत्तर प्रदेश कौशल विकास, पीएमकेवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास, उसके बाद डीडीयू जीकेवाई दीनदयाल उपाध्याय, तीन तीन हमारी केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, और आपको बता दूं 83 लाख से ज्यादा बच्चे प्रशिक्षित कर रहे हैं 217 विभाग में, उसके बाद बता दूं ODOP के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 75 जिले हैं, 75 जिलों में 75 प्रकार के जो आइटम हैं उनको बढ़ाकर उनके ऊपर स्किल दिया गया है, उनको निवेशित करके रोजगार है, उसके बाद आइए सुनिए 54.73 लाख रेहड़ी पटरी वाले को है, नितिन जी मैं बताऊंगा, जब वो 10,000 रुपए की जरूरत होती है, पहले उनके पास नहीं था, केंद्र सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश है, जो छोटे से छोटा वेतन भोगी है, जिसको लोन नहीं मिलता, जिसको कागजों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, वो 10,000 का लोन लेके अपना स्वरोजगार स्टार्ट करता है, मैं बता दूं हर साल 10,000 जब वो जमा करता है तो वो बढ़ के टॉपअप होके 20,000 होता है, 20,000 से 30, जवाब मिल गया होगा, जवाब मिल गया होगा, 13 लाख रोजगार मिले, नोट करिए कांग्रेस, नहीं नहीं अभी जवाब नहीं पूरा हुआ है, अभी जवाब नहीं पूरा हुआ है, क्या कह रहे बताइए देश बंधु जी, अभी अनुराग जी आ रहा हूँ, हम पूछ रहे हैं शिक्षक भर्ती कितनी हुई, मैंने सारे आंकड़े दे दिए, शिक्षक भर्ती में भी शिक्षा की सबसे बड़ी जरूरत है, शिक्षक भर्ती भी हो रही है, उसके भी आंकड़े हाल देख लीजिए, आंकड़े दे सकता हूँ, मुझे नितिन जी बोले मैं सारे आंकड़े विभाग वार दे दूं, मैं आप ऊर्जा से लेके शिक्षक से लेके बता रहे हैं, वो तो हो गया लोअर तबके का, आप जिस पर मांगेंगे हम नगर निगम तबके आंकड़े रखूंगा, मैं आप बताइए कितनी हूँ, कितने शिक्षकों की आप लोगों ने भर्ती की है पिछले 5 साल में, लेकर बैठा हूँ, आप बताइए, आप बता दे कि आपके 2004 से 2014 तक आंकड़ा दिखाइए ना, ये आंकड़ा इतनी बड़ी हुई है, देशबंधु जी देशबंधु जी, अनुराग मिश्रा की ले लेते हैं, उस आंकड़ों में भ्रष्टाचार कहां है, 69,000 शिक्षक भर्ती कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आपके पास, अनुराग जी क्या कह रहे हैं, देशबंधु जी आप सत्ता में हैं, इतना आक्रोश आपको अच्छा नहीं लगता है, विपक्ष के लोग चिल्लाने दीजिए, आप तो धैर्य से रहिए, अभी आप इतने प्यार से अभी आप इतने अभी आप बॉडी लैंग्वेज और भाषा की बात कर रहे थे और आप खुद आक्रोश हो रहे हैं,
और मेरे पास सारे आंकड़े हैं। मैं मानता हूँ भाई आप लोग आंकड़ों के जादूगर ही हैं, आंकड़े वाले तो है ही नहीं, जादूगरी वाली इसमें बात ही नहीं है। सुने, सुने, आरसी के आंकड़े लिखे हुए, आप बार बार इस बात को क्यों बोल रहे हैं? देखिए ये लोग प्रशिक्षण लेने वालों, बीजेपी सरकार सिर्फ प्रचार करती है ना कि जमीन पर काम करती है। पर आ जाइए, जमीन पर एक भी काम नहीं। फिर आता हूँ जो मामला, कितने लोगों ने रोजगार शुरू किया, आज स्थिति यह है कि हम लोग तो भाई देख रहे हैं कि महंगाई किस तरीके से 10 रुपए का एक नींबू मिल रहा है। हालात यह है, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसकी वजह से सारी सब्जियां, अनाज, सारी चीजें महंगे हो रहे हैं। बिजली का दाम, बिजली एक तो जा भी बहुत रही है, अच्छा है चली जाती, कम से कम बर्दाश्त रहता है, बिल कुछ कम आएगा। तो महंगाई इतनी जबरदस्त है कि आदमी की कमाई का, अब आप किसको रोजगार मानते हैं, कितना रोजगार मानते हैं वो मुझे नहीं मालूम। अगर लेकिन मैं ये चीज जान रहा हूँ कि आज जीवन जीना बहुत कठिन हो गया लोगों का, महंगाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, जवाब और लेते हैं। जितने सारे लोग हैं हमारे आसपास, बहुत से परिवार हैं, किसी भी, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं किसी आंकड़े के, आप दिल पर हाथ रख करके देश बंधु जी कल अपने मोहल्ले में सर्वे कर लीजिएगा। ठीक है अनुराग जी, समय कम है। कितने घरों में कैसे चूल्हे जल रहे हैं, समय कम, आपको पता चल जाएगा। लोग कैसे कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज महंगाई समय कम है। प्लीज प्लीज, पेपर लीक हुए, मैं देश बंधु जी से उन पर जवाब चाहूंगा जल्दी से, जल्दी से। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं उन पर आए दिन पुलिस लाठी चार्ज करती है, सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है, खासकर बेटियों को जिस तरह ये लोग मारते हैं गंदी तरह से, मैं उस पर भी इनसे जवाब चाहूंगा। ठीक है, जवाब, जवाब और कुछ देने जवाब लेते हैं। देश बंधु जी देखिए, आप इन्होंने चर्चा की, मान हमारे समाजवादी मित्र ने, आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले तो इन्होंने लड़कियों का, अनुराग जी ने भी कहा कि महंगाई उगाई बहुत हो गई है, पूजनते तत्व न मानते देवता, हमारे प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपको बता दें जो अरे यार योजना का अर्थ, हाँ सुन लीजिए यार, यार योजना का 68% बजट सिर्फ प्रचार में गया है, ये भी जान लीजिए, ये भी आंकड़े आप लिख लीजिए तो आप सुनेंगे, आप सुनेंगे नहीं फिर आप कहेंगे आक्रोश में आंकड़ों का खेल बताएंगे, आप सुनो तो यार, ये भी लिख लीजिए पैसा कहाँ जा रहा है, आप लोग बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही है, आप बताइए। अब इसका एक सीधा सा जवाब दे दूंगा, अभी आप जो है नाराज हो जाओगे। आपके श्रद्धे मुख्यमंत्री ने कहा बेटों से गलतियां हो जाती, इतना शर्मसार और घृणित बयान देते हैं और आप बेटियों की बात करते हैं, आप बात न करिए, चंदौली की घटना का जवाब नहीं दे पा रहे, जो मुख्यमंत्री का स्वजातीय दरोगा अपने 40-40 अपराधियों को ले जाकर बेटी को मार के लटका देता, उस पर जवाब नहीं दिया आपने। आप वही हैं प्रयागराज की घटनाओं पर जवाब, बेटियों के साथ जो होता है जवाब नहीं दिया आपने। आप नहीं कहते राम मंदिर कब बनाएंगे, आप 3 तलाक पर नहीं बोलते हैं, आप जिन्ना की बात करते हैं, आप गन्ना की बात करते हैं, चंदौली की घटना पर, आप चंदौली की घटना, देखिए जो विवेचना का सब्जेक्ट है और जो आपने शिक्षकों की बात की, उच्चतम न्यायालय हम मानते हैं, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है और उसके दिए गए निर्देशों पर हमारी कार्य चल रहे हैं और सबको। और एक चीज बता दें आपको नितिन जी, आपको बता दें इस बात को आप भी सौगर्व कह सकते हैं, 5 साल की हमारी योगी वन सरकार जो 1.0 रही, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप, हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार है, पूरा मंत्रिमंडल ईमानदार, किसी के ऊपर लगाओ। और रही बात 5 साल की जो सरकार है, हमने लोकहित के सारे कार्य किए, और सुनिए एक भी ऐसा दंगा हो, अरे आप क्या बात करते हो यार। और पहला आपने देखा होगा, दूसरा उदाहरण दे दूं, 2.0 का जो आगाज है आपने देखा होगा, अभी आपने विगत दिनों में हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने, आप सारे प्रदेशों में लाउड स्पीकर उठाए, उसकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन आप आरे नहीं मिलेगा, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों का जवाब नहीं मिलेगा, 69,000 शिक्षक भर्ती हो रही हैं, आपको क्या मालूम है यार, आप अपने बात करो ना, जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बर्खास्त हो गया, जो भर्तियों की जाँच हो रही, आज निकल रही बताइए आपने, आप बताओ बाबूओं को आपने आजम खान ने फर्जी सर्टिफिकेट दिखा के खबर अभियंता सब के, आप बताइए, आप उस पे विश्वविद्यालय बताए विश्वविद्यालय की करोड़ों की जमीन किसानों के आपने हड़प लिया, आप उस पे जवाब नहीं देते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों पे हमारे समाजवादी मयंक जी नहीं बोलते हैं,
आप जो आरोप लगा रहे हैं नितिन जी, 25 करोड़ जनता जनार्दन ने चुनाव में हमें दोबारा जिम्मेदारी के साथ सरकार चलाने का दिया और हम आपको 25 करोड़ है, ये आपके पास लिखित आंकड़े हैं? जी आंकड़े मेरे पास है, मेरे पास है। आप गूगल पे आप 2011 का लीजिए, आप 25 करोड़ आंकड़ा है। ठीक है प्लीज, समय कम है प्लीज। ठीक है, थैंक यू बहुत शुक्रिया। ठीक है प्लीज समय कम है, मैं देशबंधु जी प्लीज। ठीक है प्लीज थैंक यू। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए प्लीज। ठीक है थैंक यू प्लीज। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मयंक प्लीज समय कम है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार की कोशिश है कि रोजगार के जो स्तर है उससे ऊपर किया जाए, और अभी जिस तरह से चर्चा हुई उस चर्चा में काफी चीजें निकलकर सामने आई कि एक तरफ भर्तियों को लेकर के बवाल मचा हुआ है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठनों की तरफ से ये आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति काफी सुधरी है। फिलहाल ये मुद्दा इसी तरह से चलता रहेगा क्योंकि आने वाले 5 सालों में भी उत्तर प्रदेश की सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता को और युवाओं को काफी उम्मीदें और उन उम्मीदों पर सरकार कैसे काम करती है देखना अहम। फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीनंद मति नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।